गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भूगोल में विभिन्न कौशलों का विकास। ये हमारा पार्ट टू। पूर्व की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि भूगोल के अंतर्गत हम विभिन्न कौशलों का विकास किया जाता है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको शिक्षण कौशल बताया था कि शिक्षण कौशल क्या होता है, कि शिक्षक द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब वह करता है, व्याख्या देता है, पूर्ण वलन देता है, सहायक सामग्री का उपयोग करता है, यानी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह जो कुछ भी प्रक्रिया करता है उसे शिक्षण कौशल कहा जाता है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको जो पहला कौशल था अवलोकन या निरीक्षण कौशल, उसके बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना अवलोकन कहलाता है। अवलोकन जब हम करते हैं तो बच्चों को स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि अवलोकन के द्वारा हम किसी भी चीज का प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में उस चीज को देखते हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं, जैसे कोई मैंने आपको चीज बताई थी, मान लीजिए बॉम्बे गई थी, मैंने आपको बताई तो आप कल्पना के आधार पर मेरी बात, तो जब मैं बात बताऊंगी तो आपको उस कल्पना का आधार पर आप उसको सोचो को देखो, परंतु जब वो आप प्रत्यक्ष जाके किसी चीज को देखते हो तो काफी डिफरेंस आता है, परिवर्तन आता है। अवलोकन के द्वारा हम बारीक से बारीक चीजों का प्रत्यक्ष ज्ञान कर सकते हैं। जैसे हम भ्रमण के दौरान प्राकृतिक स्थलाकृतियां होती हैं, चट्टान होते हैं, खनिज होते हैं, प्राकृतिक जो वनस्पतियां होती हैं, इनका अध्ययन हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन के अंतर्गत करते हैं, जिससे बालक को शिक्षण की प्रक्रिया में उनकी गति तेज होती है, सीखने का भी प्रयास करते हैं। अब जो नेक्स्ट आज हम कौशल पढ़ेंगे वो कौशल प्रयोगात्मक कौशल, प्रयोगात्मक प्रयोगात्मक कौशल। अब हम इस कौशल के अंतर्गत देखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम देखें तो प्रयोगात्मक कौशल को प्रयोगात्मक बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक बुद्धि कहा जाता है, और यह भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि भूगोल में इस विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। क्योंकि प्रयोग में हम बालकों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी हम छात्रों को देते हैं, क्योंकि भूगोल के अंतर्गत हम देखते हैं तो विज्ञान विषय की तरह ही प्रैक्टिकल ज्ञान देना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि अगर हम बच्चों को पाठ्य पुस्तक से ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं तो वह अधिक उचित नहीं रहेगी। अगर हम उनके प्रैक्टिकल कार्य के दौरान अगर हम शिक्षण कार्य करवाते हैं तो काफ़ी बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में तेजी होती है और बच्चे में रुचि उत्पन्न भी होती है। तो इसलिए अगर हम देखें तो भूगोल की यह सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इसमें शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन करता है। क्या करता है? छात्रों का होता। क्यों? क्योंकि शिक्षक द्वारा ही छात्रों को सारे निर्देश दिए जाते हैं कि आपको जब प्रैक्टिकल कार्य करना है तो किस प्रकार करना है। अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, जो शिक्षक होता है वह किसी यहाँ पर छात्र को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, केवल हम उसे मार्ग दे सकते हैं, बता सकते हैं, और करना छात्र को उसके अंतर्गत होता है। क्योंकि जब छात्रों के द्वारा प्रयोग किया जाता है तो छात्र क्या हो जाते हैं? क्रियाशील हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल कार्य करने में बच्चों को क्या होती है? रुचि अनुभव होती है। तो अगर हम देखते हैं तो प्रयोगात्मक विधि के द्वारा बच्चा अपनी आंख कान दोनों ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करता है, क्योंकि कान से वह सुनता है, आंख से वह देखता है, देखने के पश्चात उस प्रयोग विधि को करता है।
जिसके अंतर्गत हम देखें तो हम प्रयोग विधि में क्या कर सकते हैं, तो प्रयोग विधि के अंतर्गत हम मापनी का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मापनी निर्माण, प्रक्षेप निर्माण, फिर है ग्राफ आदि। आदि को हम कर सकते हैं। आपने देखा है कि आपने मापनी है जो कॉलेज में जब हम पढ़ते हैं तब हम मापनी का है उसको बनाते हैं, तो हम जो प्रैक्टिकल कार्य करते हैं मापनी है, प्रक्षेप बनाना है, मानचित्र बनाना है, ये सबका कार्य हम कब करते हैं? हम प्रयोग की विधि के द्वारा हम इस चीज का प्रयोग करते हैं। फिर अब हम देखते हैं प्रयोगात्मक विधि के गुण और दोष। प्रयोगात्मक विधि के प्रयोगात्मक विधि के गुण, इसमें पहला गुण है यह विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत का अनुसरण करती है और तो क्या हो जाते हैं, पूर्णतः क्रियाशील हो जाते हैं। तो हमने देखा पहला जो उसमें गुण बताया गया है कि यह विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत का अनुसरण करती है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल कार्य के दौरान जो बालक होते हैं वह अधिक एक्टिव हो जाते हैं और प्रयोग के द्वारा सीखने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट है स्थाई ज्ञान की। अब हम देखते हैं प्रयोगात्मक के अंतर्गत इस विधि के द्वारा बच्चों को स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि बच्चा जब इस प्रयोग के माध्यम से सीखता है तो वह उस ज्ञान को कभी भूल नहीं पाता है। फिर नेक्स्ट है प्रयोग द्वारा नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस विधि के द्वारा बालक जब प्रयोग करते हैं तो किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या उसका परिणाम पर पहुंचते हैं। फिर है खोज की भावना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस विधि के द्वारा बालक में खोज विधि का विकास भी होने लगता है, क्योंकि नई नई चीज खोजने की उसमें आदत हो जाती है। जब हम प्रयोग करते चीजों का वह उपयोग करने लगता है। अब हम देखते हैं इसके दोष। इसका पहला दोष है भूगोल अक्ष का। इसके लिए इसका जो पहला दोष है वह है भूगोल अक्ष का होना, क्योंकि अधिकतर विद्यालय में हमने देखा है कि भूगोल सब्जेक्ट होता है परंतु भूगोल की प्रयोगशाला नहीं होती है, जिसके अंतर्गत नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि प्रयोग करवाने के लिए हमें अलग कक्ष की आवश्यकता पड़ती है,
जिसके अंतर्गत हम प्रयोगात्मक सामग्री हम रख सकते हैं, क्योंकि सामग्री इसमें इतनी होती है कि पूरा कक्ष का कक्ष के अंतर्गत वो सामग्री रखी जाती है, तो कक्षा उससे भर जाता है। इसलिए विद्यालय में अगर हम देखते हैं तो इस सामग्री को रखने के लिए कक्ष का होना बहुत ही आवश्यक होता है। शिक्षा पूर्ण दक्ष, इसके आगे अगर हम देखते हैं तो इस विधि के प्रयोग के द्वारा जो शिक्षक होता है वो पूर्णतः दक्ष होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इस शिक्षक को प्रयोग करवाने नहीं आते हैं तो प्रयोग करवाने नहीं आते तो बालक को अच्छे से नहीं करवा पाते हैं। तो प्रयोग करवाने के लिए ऐसा शिक्षक चाहिए जो पूर्णतः दक्ष होना चाहिए, इसमें कौशल होना चाहिए पूर्णतः, जिससे वो बालकों को अच्छे से सिखा सके। तो ये थे इसके दोष। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है, योगात्मक कौशल क्या है, गुण दोष को बताएं, योगात्मक कौशल क्या है, इसके गुण दोष का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है, इसे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए। यदि आप बाहर जाते हैं